हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लेनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। प्रियंका चोपड़ा के घर वालों ने ढूंढ लिया है उनके लिए दुल्हा। कौन है वो लकी दुल्हा, दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लेनेट बॉलीवुड न्यूज। बताएंगे रणदीप हुड्डा की कौन सी ख्वाहिश बहुत जल्द होने जा रही है पूरी। फराह खान ने शाहरुख के साथ हुई कॉन्ट्रोवर्सी पर जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। और दिखाएंगे स्पेशल 26 के एक्टर्स मनोज बाजपेयी और जिमी शेरगिल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लेनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं खुशखबरी के साथ। बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक प्रियंका चोपड़ा की शादी के लिए उनके घर वालों ने ढूंढ लिया है दुल्हा। कौन है पीसी का ये लकी दुल्हा, फाइंड आउट एक्सक्लूसिवली इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जैसे ही दूल्हा मिल जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। दूल्हा मियाँ ही नहीं आया अभी तक। जैसे ही दूल्हा मिल जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। दूल्हा मियाँ ही नहीं आया अभी तक। प्रियंका की ये ख्वाहिश हो गई है पूरी। शादी के सवाल पर दूल्हा न मिलने की रट लगाने वाली प्रियंका के लिए फाइनली उनके घर वालों ने ढूंढ लिया है एक दूल्हा। जैसे दूल्हा मिल जाए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के दर्शकों को आज हम एक्सक्लूसिवली प्रियंका के होने वाले दूल्हे की फोटो ही नहीं दिखाएंगे बल्कि आपको खुद मिलवाएंगे दूल्हे राजा से भी। अब तो आप जानने के लिए बेताब होंगे कौन है पिगी जॉब्स का दूल्हा, तो जरा इंतजार कीजिए क्योंकि दूल्हे राजा से तो हम आपको मिलवाएंगे ही। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रियंका के लिए दूल्हा आखिर चुना किसने है। तो जनाब, पीसी के लिए दूल्हा उनकी मासी माँ ने चुना है और वो कोई बॉलीवुड स्टार या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, लेकिन वो है टेलीविजन का किंग। आज प्रियंका के दूल्हे राजा देश के हर घर के फेवरेट बन चुके हैं। इस हैंडसम हंक पर बहुत सारी लड़कियां मरती हैं। अब चलिए आपको ज्यादा इंतजार करवाए बिना प्रियंका से ही सुनवाते हैं कि किसे मासी माँ ने उनके लिए चुना है। आपकी एक मासी है जो चाहती है कि जो महादेव आते हैं आप उससे शादी कर लें, क्या ये सही है और क्यों? क्योंकि जब वो टीवी देखती हैं उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे अच्छे लड़के होंगे मेरे लिए, क्योंकि वो महादेव है, कि वो महादेव है। जी हाँ, एक टेलीविजन शो पर भगवान महादेव का कैरेक्टर निभाने वाले मोहित रहना ही वो शख्स हैं जिन्हें प्रियंका की मासी माँ ने उनके लिए चुना है। आपकी एक मासी है जो चाहती है कि जो महादेव आते हैं आप उससे शादी कर लें, क्या ये सही है और क्यों? क्योंकि जब वो टीवी देखती हैं उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे अच्छे लड़के होंगे मेरे लिए, क्योंकि वो महादेव है। प्रियंका क्या कहती है इस बारे में? जूम को ऐसी खबरें कहां से मिल जाती हैं? प्रियंका, अब इस सवाल का जवाब तो पूरा बॉलीवुड जानना चाहता है कि आखिर जूम के पास कैसे हर खबर सबसे पहले पहुंच जाती है। प्रियंका अब बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है और अगर आपके घर वाले आपके लिए दूल्हे की तलाश करें और जूम को इसका पता ना चले, ये कैसे हो सकता है? चलिए, ये तो अब तक हमने आपको सुनवाई प्रियंका और उनके घर वालों की चाहत। अब सुनिए खुद महादेव मोहित रैना का क्या कहना है प्रियंका की मासी माँ के इस प्रपोजल पर। प्रियंका चोपड़ा, आप जानते होंगे उनकी मासी चाहती हैं कि प्रियंका चोपड़ा आपसे शादी करे। मोहित रहना तो जूम के इस सवाल को सुनकर चौंक गए और उनके पास अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स ही नहीं बचे। आगे देखिए मोहित कैसे प्रियंका की मासी को थैंक्स करते नहीं थक रहे। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? प्रियंका से तो हमने बात की, वो बहुत खुश थी, उन्हें बता भी रही थी कि मासी क्यों चाहती हूँ। बहुत हैंडसम है, बहुत ही शरीफ है, बहुत ही अच्छे, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। बट ऑब्वियसली आपकी जो बेटी है बहुत बड़ी सुपरस्टार है, तो मैं तो एक टेलीविजन का एक्टर हूँ, सो डेफिनेटली अगर इस जन्म में नहीं तो कभी नेक्स्ट जन्म में मौका मिला तो डेफिनेटली वी कैन मीट। वेल मोहित, अगले जन्म क्यों, आशा मत छोड़िए, कहीं प्रियंका अपनी मासी माँ की बात मान ही ले। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि मासी माँ के इस प्रपोजल पर प्रियंका कितनी गहराई से सोचती है। कि वो महादेव है, कि वो महादेव है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। बॉलीवुड में अपनी खास तरह की फिल्में से एक अच्छा खासा मुकाम बनाने वाले एक्टर रणदीप हुड्डा की ख्वाहिश है बॉलीवुड के एक रेनाउंड एक्टर के साथ काम करने की। कौन है वो एक्टर, सुनिए खुद रणदीप से। एक्टर रणदीप हुड्डा पर आजकल किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है।
रणदीप की ज्यादातर पिछली फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया है। वहीं हाल में ही रणदीप ने इम्तियाज अली और करण जौहर जैसे फिल्म मेकर्स के साथ फिल्म साइन की है और अब रणदीप ने जूम को ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज दी है जिससे साफ हो गया है कि ईयर 2013 रणदीप के लिए होने वाला है खास, क्योंकि इस साल रणदीप का एक सालों पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। यू आर ऑल्सो इन सलमान्स किक विद सलमान, एम आई करेक्ट? यस Sajid, Sajid is directing that. Yes, of course. I have always looked up to Salman, and he's been a dear friend. Although in the past few years we've not interacted much, but I've always liked the guy. There is something very human about him and very good about him. He's a good soul. So I'm looking forward to that and getting to spend more time with him. जी हाँ, रणदीप बॉलीवुड के रेनिंग किंग सलमान खान के साथ फिल्म किक में नजर आने वाले हैं। और जब रणदीप से हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या फिल्म में सेकंड लीड रोल प्ले करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उन्होंने ये कहा, This is another interesting aspect. You know, you're also main lead in a lot of movies. But आप उन एक्टर्स में से नहीं है जो, you know, would not love, like, for example, any other actor would have said, why to work with Salman or why would be a part of Ungli where there's an ensemble cast. मगर आप उस चीज़ों से आप उस चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, am I correct? मैं रखता था उस वक्त, मेरा करियर बहुत ही अनसक्सेसफुल था जब मैं सोचता था कि मेरे इर्द गिर्द पिक्चर बने और बनी भी पिक्चरें, पर उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में मैं अजय देवगन और इमरान और बाकी लोगों के साथ में जब देखा तो उस एक फ्रेम में लोगों को कहा, हाँ नहीं यार, ही इज़ ऑल्सो गुड एक्टर, अपनी इंडिविजुअल पिक्चर में तो हाँ करता है एक्टिंग, यहाँ पर भी He's not looking bad against these guys. He's not looking like a small movie actor. So, वहाँ से होना शुरू हुआ, फिर साई बीवी और गैंगस्टर, अगेन there were three of us there. And Janna 2 was a big example where it was Imran Hashmi and it was his franchise. Although the movie in the beginning was called Informer and I was cast in that picture. And even in that picture, I read the script and I said, why is Imran not doing my role? The one you're offering to me. He said, no, he wants to do the other role. I said, fine. So if you start thinking about me in this whole scenario and you yourself are not a marquee actor ki jiski picture lagi to itne to log aayenge hi aayenge dekhne, to aapko wo audience jeetne ke liye, un audience ko apna kaam dikhane ke liye, un tak pahunchne ke liye, aapko apne se bade successful logon ke sath kaam karna chahiye। वेल रणदीप, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि बिग स्टार्स की ऑडियंसेस काफी ज्यादा होती हैं, एंड वी होप आने वाले समय में आपकी भी बॉलीवुड में कुछ ऐसे ही पोजीशन हो। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। रिसेंटली शिल्पा शेट्टी और फराह खान पहुंची एक एग्जीबिशन पर और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। Shilpa Shetty aur Farah Khan pahunche ek exhibition par where we also spotted Teena Ambani and Geeta Basra aur isi event par Farah aur Shilpa dono se Zoom ne ki khaas baat chi chaliye dikhate hain aapko Zoom ke sath inka exclusive interaction। इस वक्त है मेरे साथ में डायरेक्टर फराह खान जो काफी स्लिम लग रही है, काफी एकदम या यस और वेलकम टू Zoom। थैंक यू सलमा, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत फिट लग रहे हैं, बताइए आप यहाँ आए हैं और आपने अंदर जो पेंटिंग्स और वो एक्चुअली जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे मुझे अर्जुन और मेहर रामपाल ने ये गिफ्ट दिया था और तभी मुझे लगा था यार ये क्या गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब बच्चों के जो हैंड इम्प्रेशन सिल्वर में कास्ट करके, लेकिन आज मुझे लगता है कि इससे बेटर गिफ्ट हो ही नहीं सकता बिकॉज इट्स सच अ स्पेशल मेमरी। मेरे बच्चे तो खैर 3 महीने के थे जब उनका हाथ का लिया था, बट 1 ईयर ओल्ड बेबीज एंड ऑल दे टेक, सो आई थिंक इज जस्ट फैंटास्टिक। आप क्या कर रहे हैं आजकल, बिकॉज रियलिटी शोज हो गए हैं तो अब क्या किस चीज़ को लेकर चालू करो ना कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर बात कर लीजिए। अब मेरी फिल्म शुरू हो जाएगी सलमा, ये मत पूछो कब, जैसे चिन्ह एक्सप्रेस खत्म होगी नेक्स्ट डे मैं शुरू कर दूंगी, तो आई एम जस्ट वेटिंग। रोहित, आर यू हियरिंग मी? ओके, तो मतलब शाहरुख बेसिकली बिजी है, ऐसा तो नहीं है? आई थिंक नहीं, आई थिंक दे हैव टू फिनिश चेन्नई फर्स्ट, दैट वाज हाउ इट वाज सपोज टू बी, तो आई थिंक अप्रैल मई तक वो खत्म हो जाएगी, जैसे वो खत्म होगी वी विल बी स्टार्टिंग आज, वी आर ऑलरेडी जी। और यू नो फरह, हीरोइंस को लेकर काफ़ी चर्चा, मैं हूँ हीरोइन फिल्म की, इसलिए मैं थोड़ी पतली हो रही हूँ और मैं जिम में भाग रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम विल बी सीइंग शाहरुख एंड मी टुगेदर। हमेशा कुछ ना कुछ नई लड़कियों का हीरोइंस का नाम आता है, इस बार प्रियंका चोपड़ा का नाम आया है, तो आप बताओ। जैसे रोज एक नया नाम आता है
और वो पता नहीं क्यों आता है और कहाँ से आता है, क्योंकि हमने किसी से बात नहीं की. देयर इज़ अ फैक्ट, आई हैव नॉट अप्रोच्ड एनी हीरोइन एज येट. और जैसे हीरोइन हो जाएगी, वी विल मेक एन अनाउंसमेंट. व्हाई विल वी हाइड? थैंक यू सो मच फॉर हमसे बात करने के लिए. ऑन देयर सपोर्ट फॉर हैप्पी न्यू ईयर. ओके सलमा, बाय बाय. इस वक्त है मेरे साथ में शिल्पा शेट्टी, और जानते हैं कि वो आ जाती थी एक पेंटिंग एग्जीबिशन को लेकर और उन्हें कितनी पसंद आई. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जूम शिल्पा. And ये pictures आपने देखी, paintings देखी, what do you want to say, क्या कहना चाहिए? Well, it's not really paintings, they're first impressions. Bhavna जो काम करती हैं वो basically she does molds in clay and then she molds them with gold. And yeah, you know, you can see the first impressions of tiny little feet, the feet and hands and मैंने अपने पेरेंट्स के भी इम्प्रेशंस कराए हैं आशीर्वाद की तरह मेरे घर में, और मेरे गुरु के कराए हैं, अभी वियान के कराए हैं. एंड आई जस्ट थिंक द ब्यूटीफुल मेमोरीज यू नो होल्ड ऑन टू फॉर लाइफ. कैसा लगा आपको? इट्स लाइक यू थिंक इट्स अ यूनिक आइडिया है और इसीलिए मैं उसे इनकरेज करने के लिए यहाँ पे आई हूँ. कैमरामैन परेश के साथ सलमा खान, जूम मुंबई. आयुष्मान खुराना रिसेंटली पहुंचे एक ज्वेलरी स्टोर के लॉन्च पर, और यहां उन्होंने मीडिया को बताया कि इस वैलेंटाइन डे पर अपनी वाइफ के लिए वो क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं. टेक अ लुक. आई एम नॉट अ वेरी एक्सेसरी काइंड ऑफ पर्सन. इन फैक्ट आई डोंट इवन वेयर रिंग्स. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक मेन शुड नो अबाउट ज्वेलरी बिकॉज़ दैट्स द ओनली वे यू नीड टू विमेंस आर्ट. आयुष्मान भले ही रिंग्स नहीं पहनते हो और भले ही उन्हें ज्वेलरी पसंद ना हो, पर एक आदमी को ज्वेलरी का नॉलेज होना चाहिए, ये बात जरूर कहते हैं आयुष्मान. I'm not a very accessory kind of person. In fact, I don't even wear rings. But having said that, I think men should know about jewelry because that's the only way you meet to women's heart. एक ज्वेलरी शॉप के लॉन्च पर पहुंचे आयुष्मान खुराना यूं तो बोलते नजर आए दैट ही डज नॉट वेयर रिंग्स, बट वाज एक्चुअली सीन फ्लॉन्टिंग द रिंग इन हिज हैंड. और तो और आयुष्मान आल्सो अप्रेज द कलेक्शन ओवर हियर. आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक कलेक्शन. बहुत यूनिक कलेक्शन है इनकी. इनफैक्ट अनकट डायमंड्स पे काफ़ी इन्होंने काम किया है. एंड अगर आप देखेंगे अमेज ज्वेल्स में क्या क्या आपको अच्छा लगेगा, आई थिंक यू जस्ट यू बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. देयर सो मेनी चॉइसेस आउट देयर. वैसे वैलेंटाइंस डे भी करीब आ रहा है, और इसी बात पर वी आस्क्ड आयुष्मान कि वो अपनी वाइफ के लिए क्या गिफ्ट खरीदेंगे. टू दिस आयुष्मान स्मार्टली लाइक अ लॉयल हस्बैंड आंसर्ड. I don't know. I'm not a jewelry kind of a person. Though मैंने खुद अपना स्टोर दिल्ली में खोला था, लेकिन अमीज ज्वेल्स में ऑफ कोर्स यहां बॉम्बे में है, तो फिर I'll take her along whatever she like, I think. चलिए, आपने तो अपने तरफ से अपनी वाइफ को दे दी है पूरी इजाजत कि वो कुछ भी खरीद सकती हैं. We just better hope कि ये छूट आउट ऑफ बजट ना हो जाए. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल 26 के एक्टर्स मनोज बाजपेयी और जिमी शेरगिल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. फिल्म स्पेशल 26 के स्पेशल स्टार्स मनोज बाजपेयी और जिमी शेरगिल ने अपनी इस फिल्म के बारे में जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की. टेक अ लुक. स्पेशल 26 के 26 लोग तो नहीं बल्कि 3 लोग हैं मेरे साथ इस वक्त. वेलकम टू जूम मनोज, दिव्या एंड जिमी. जी थैंक यू. सबसे पहले बढ़िया, अगर मैं स्पेशल 26 कहूँ तो इस फिल्म के अलावा क्या दिमाग में? इस फिल्म के अलावा स्पेशल 26 इस फिल्म के अलावा अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, जिमी शेरगिल, दिव्या दत्ता, अनुपम खेर, यही लोग दिमाग में आएंगे और क्या आएगा? आई थिंक ये भी फिल्म से ज्यादा स्पेशल छप. लड़की की कमर. ओके जिमी, स्पेशल छप. जब मैं 26 साल का था. सर, प्रमोशंस कैसे चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है. देखिए, आपके साथ में हम लोग बात कर रहे हैं, और जैसा जिमी ने बताया कि आपके शो पे जो है बहुत काफ़ी बार जूम होता है. मुझे आपसे बात करते हुए लग रहा है कि जूम हो रहा है बहुत बार. लेकिन प्रमोशन अच्छा है, आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, बातें करने का मौका मिलता है, और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जूम करके दिखाया जा रहा है. ये जूम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? अब ये तो आपकी नीयत पर डिपेंड करता है कि आप लोग अच्छा वाला करते हो या बुरा वाला करते हो. लगता है CBI ऑफिसर्स के टारगेट में इस बार जूम चैनल है. दिव्या क्या कहें? आपने CBI ऑफिसर को कॉन्शियस कर दिया. और मैं क्या बोलूं? अवार्ड फंक्शंस जो बहुत होते आए हैं और बहुत रिसेंटली हुए हैं, देखा गया तो पान सिंह तोमर को, ऋचा चड्ढा, बहुत सारे अवार्ड्स मिले. आपको लगता है थोड़ी टैलेंट को अब बढ़ावा दिया जाने लगा है? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि ऋचा चड्ढा को अवार्ड मिला, और इसलिए भी क्योंकि न सिर्फ वो मेरे साथ में थी, बल्कि वो मेरा अपना मानना है कि वो बहुत बड़ी टैलेंट है. तो
तत्या 2 बन रही है, जॉन अब्राहम है, मनोज जूम तो आएगा ही आएगा। आप किस तरह से आयमन इसमें इन्वॉल्व होने वाले? अब मुझे पता ही नहीं, मैं आप ये आपसे जो समाचार मिली है मुझे, ये पहली बार मैं ये समाचार सुन रहा हूँ। और वैसे भी सत्या 2 में मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि पिकू महात्रे तो मर गया था, वो तो प्री क्लाइमेक्स में ही मर गया था, तो इसलिए जो है सत्या 2 में तो मेरा होना अभी मुझे लगता नहीं है कि उसमें मुमकिन होगा। एक और आखिरी सीधे सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या मनोज और रामू एक साथ कभी काम नहीं? आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं करेंगे? मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन। अरे नहीं यार, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मैसेज करते हैं, और अच्छा है कि आपसे अभी मुझे पता चला कि उनको मैसेज करना है कि 26/11 का जो पोस्टर आया है बहुत अच्छा पोस्टर है, तो ऐसे हम लोग जब भी रामू जी चाहेंगे हम तैयार हैं यार, हम तो सेना है। चलिए थैंक यू सो मच, ये बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू था। आई थिंक पहली बार मनोज जी से इस तरह की अच्छी अच्छी बातें, और पहली बार बहुत सीरियस नहीं, इसके पहले आप बहुत सीरियस बात करते थे। और थैंक्स टू कृष्ण जी ने जिन्होंने zoom whatever जो भी किया और एकदम मूड ठीक है, वो उसने सही कहा है। और मुझे ये लोग इशारे से ये बोल रहे हैं कि आपने बहुत सारे zoom वाले जो है ना आंसर दिए हैं, और आप ज्यादा मत बोलिए तो और zoom थैंक यू सो मच। तो ये थे स्पेशल 26 के 3 मेंबर्स हमारे साथ, कैमरामैन परेश के साथ चेतना सिंह, zoom मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। बॉलीवुड में आपने एक्टर्स को फिल्म में ज्यादा से ज्यादा स्पेस पाने के लिए कई बार लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार आज जूम पर देखिए कैसे एक फिल्म के सॉन्ग्स के क्रेडिट को लेकर दो सिंगर्स आपस में भिड़ गए। बॉलीवुड के दो टॉप सिंगर्स को लेकर इन दिनों हो रही है कंट्रोवर्सी, मिका और हनी सिंह। कुछ दिनों पहले खबर थी कि मिका है हनी सिंह से काफी अपसेट क्योंकि मामला क्रेडिट का है। यशराज की मेरे डैड की मारुति में दोनों सिंगर्स ने साथ में गाया है गाना, और रिपोर्ट्स थे कि हनी सिंह ले रहे हैं सारा क्रेडिट और इसी वजह से मिका है अपसेट। लेकिन अब आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक मिका के करीबी सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि मिका ने खुद हनी सिंह को फिल्म के मेकर्स से मिलवाया था, और हनी सिंह जैसे सिंगर्स के साथ उन्हें कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं हो सकती है, और इसका रीजन है मिका के 5 सुपरहिट सॉन्ग्स जिनमें उन्हें पूरा क्रेडिट मिला है। इन दोनों का ही गाना पंजाबी आदि बैटरियां इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom India's number 1 Bollywood channel.